शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। करना होगा बलिदान इस शरीर का, तब तुम्हारी आत्मा शुद्ध होगी। चलना होगा इस आग में, तब तेरी दुआ कबूल होगी। सच्चा मन और मन में हो विश्वास तो अंगारों का ये रास्ता भी फूलों की चादर बनता जाएगा। है विश्वास, बढ़ आगे। भरोसा तुझे तो चल आगे। मुझे भरोसा है अपने प्यार पे, अभय, और अपने साथ पे। मेरा सारा विश्वास आप है माता रानी। मुझे हिम्मत दीजिएगा कि अपने सुहाग के लिए आज मैं इस परीक्षा से भी गुजर जाऊं। इनके पल्स तो गिरते जा रहे हैं। अगर इस इंजेक्शन से भी कुछ नहीं हुआ तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। रानी ने आपकी सुन ली। अब है ना खतरे से बाहर है। श्रद्धा बेटा, डॉक्टर ने कहा है अभय को होश आ जाएगा,
वो जल्दी ठीक हो जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, और अगर अभय को होश आया तो मेरा सच बता के वो सबकी होश उड़ा देगा। खुद तो जिंदा बच जाएगा पर मैं मर जाऊंगा। देख भाई, बुरा मत मान, लेकिन मेरी किस्मत में जेल की हवा खाना ना, जेल की हवा खाना तो नहीं लिखा है, आराम से घर पे बैठ के एसी की हवा में मौज काटना लिखा है। पर दिक्कत क्या है ना कि मेरी किस्मत में वो सिर्फ तब है ना जब तेरी किस्मत में होगी मौत, तो अब वो मैं लिखूंगा। चलो अब जल्दी से भगवान की प्यारी हो जाओ। अब है भैया, कोई कुछ बता भी तो नहीं रहा। ये कैसे हो गया? नहीं, सीपीआर रेडी करो जल्दी, वोल्टेज ऑन कर। दीदू दीदू अब रोइए मत, अब मेरे को कुछ नहीं होगा, डॉक्टर ने कहा ना कि वो ठीक है। परेशान मत हो। हाँ श्रद्धा, तुम देखना डॉक्टर भी यही बोलेंगे। I'm sorry, Mrs. Tripathi. हम आपके पति को बचा नहीं पाए।
पूजा, पूजा, तनुजा, तनुजा संभालिए अपने आप को, तनुजा होश में आइए, तनुजा, तनुजा माफ कर दीजिए भाभी जी, मैं आपका गुनहगार। अगर मैंने अपनी बहन का साथ नहीं दिया होता तो आज अभय हमारे साथ होता, माता रानी के पास। अभय मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकते, समझे? दीदू संभालिए, संभालिए अपने आप को। जो कीर्ति, कुछ नहीं हुआ है अभय को। अभय मुझे छोड़कर जा ही नहीं सकते। मुझे देख, मेरी सांसें चल रही है ना, तेरे सामने मैं अच्छी भली खड़ी हूँ, मैं ठीक हूँ ना? तो अभय भी बिल्कुल ठीक है, वो मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। जब मेरी सांसें चल रही है तो अभय को भी कुछ नहीं हुआ, वो हमारे साथ है, हमारे बीच है, हम सबके साथ है। वो कीर्ति, तू संभालिए अपने आप को। तुझे यकीन नहीं हो रहा ना, मैं भी उनको बाहर निकल आती हूँ। नहीं, छोड़ मुझे, मत जाइए अंदर। तू समझिए आप क्या, छोड़ कीर्ति, जाकर खुद देख ले रहे। तू आपको लेकर पूरा परिवार कितना परेशान है। मम्मी जी का रो रो कर बुरा हाल हो चुका है, पापा जी ने अभी तक अपनी दवाई भी नहीं ली है, ताई जी ने सुबह से कुछ नहीं खाया, और बुआ जी, बुआरी जो इतना बोलती है, आपकी चिंता में एक शब्द नहीं बोल रही है। वरुण जी ने तो पूरा हॉस्पिटल ही अपने सर पर उठा लिया है, पर अगर कीर्ति नाराज हो गई ना, फिर गुस्से में आपसे लड़ने यही आ जाएगी। देखिए भाई, अब आपका ये मजाक बहुत हो गया, चलिए चलिए उठिए, बाहर चलिए। अब है, अब आप मुझे गुस्सा दिला रहे, मैं कह रही हूं ना, उठिए अब है। अब अगर आप मेरी बात नहीं माने ना, तो मैं आपको खींच के यहां से बाहर लेकर जाऊंगी। सुन रहे हैं आप मेरी बात? नहीं मानेंगे ना, ठीक है, अब मैं दिखाती हूं आपको, मैं यहां से खींच के आपको बाहर लेकर जाऊंगी। चलिए अब है, चलिए अब है, अब है, चलिए। ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? प्रिया और शांति के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं क्या जवाब दूंगी उन्हें, क्या कहूंगी मैं उनसे कि उनके पापा वापस नहीं आए? क्यों? अबे मैं आपसे बात कर रही हूं, उठिए अबे, अबे उठिए, अबे। किस्मत की लकीरें आपसे जुड़ी है, आपके बिना मैं कुछ नहीं हूं। आपको कुछ हो गया ना, तो मैं जी नहीं पाऊंगी। अबे 6 साल में आपसे दूर रही, और एक एक दिन, एक एक पल मैंने कैसे काटा है ना,
वो मैं ही जानती हूँ। उठिए अभय, अभय उठिए, अभय। सारी मशीनें चालू कर। थीसिस त्रिपाठी, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि ये कैसे मिस्टर अभय जिंदा है। मिसेस त्रिपाठी, आपकी दुआ और विश्वास ने तो काम कर दिया, अब बारी हमारी है। हम भी इनके इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आप जाकर बाहर इंतजार। नहीं नहीं नहीं, मैं इन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यही रहूंगी इनके साथ। मिसेस त्रिपाठी, हम आपकी जज्बात को समझते हैं। ऑपरेशन थिएटर में बहुत सारी सावधानियां बरतनी होती हैं और यहाँ पर इन्फेक्शन का खतरा ज़्यादा होता है, और जिस हालत में आपको बाहर जाना ही बेहतर होगा। हाँ तो आप जल्दी से इनका इलाज शुरू कीजिए, मैं बाहर वेट करती हूँ। आप शुरू कीजिए। शुरू से मेरा कितना ख्याल रखा, हम सब का, पूरे परिवार का, और आज वो खुद ऐसी हालत में, ये सब सिर्फ मेरी वजह से हुआ है, सिर्फ मेरी वजह से हुआ है कुणाल। श्रद्धा, हमें डॉक्टर पे बिल्कुल यकीन नहीं है, वो कभी भी कुछ भी बोलते। तुम बताओ अभय, अभय ठीक है ना? अभय जिंदा है मम्मी जी, उनकी सांसें दोबारा से वापस आ गई हैं, और डॉक्टर्स उनका फिर से इलाज शुरू कर रहे हैं। हम चाहते थे कि माता रानी अपना आशीर्वाद हमारे बेटे के सर से नहीं हटाएंगी, बस वो जल्दी ठीक हो जाए, उसे घर ले आए हम। दीदू, ये चमत्कार ना आपके प्यार विश्वास के कारण ही हुआ है। हाँ कीर्ति, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ये श्रद्धा का अपने रिश्ते के प्रति ये श्रद्धा और विश्वास ही है जिसकी वजह से आज उनका सुहाग मौत से लड़के वापस आया है। हाँ माँ, और अब सिर्फ श्रद्धा को अकेले अभय का ख्याल नहीं रखना पड़ेगा, हम सब उसका ख्याल रखेंगे, और आप देखना, देखते देखते वो इतना ठीक हो जाएगा कि मेरा भाई भागने दौड़ने लगेगा। आज मैं अपने इकलौते बेटे को खोने वाला था, अब मैं उसे कभी नहीं मारूंगा, मैं एक अच्छा बाप बनने की कोशिश करूंगा। अनुज जी, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? आप एक बहुत ही अच्छे पिता हैं, और अभय जो भी है आपके संस्कारों और आपकी हिम्मत की वजह से। नहीं, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, इन्होंने हमारे बेटे को बहुत डांटा है, अब आप उसे कुछ कह के दिखाइएगा। भाभी बिल्कुल ठीक कह रही, भैया
अगर आपने हमारे लाडले को जरा भी डांटा ना तो हम आपसे झगड़ा करेंगे। अभय जल्द से जल्द होश में आ जाए बस। खतर क्या वो डॉक्टर अभय ठीक है ना? उन्हें होश तो आ गया है? उन्हें किसी चीज की तकलीफ तो नहीं है ना? डॉक्टर अब और कितना इंतजार करना पड़ेगा हमें? अरे हमारा बेटा हमसे मिलने के लिए तरस रहा होगा। बोलिए ना सर, कोई प्रॉब्लम हो गई है, कोई तकलीफ? अभय ठीक तो है ना? और क्या है बताइए ना डॉक्टर, सच सच बताइए हुआ क्या है? अभय को फिर से कहीं कोई? अरे बोलिए ना डॉक्टर। अभय की सांसें चल रही हैं। हाँ तो फिर बात क्या है? मिस्टर अभय कोमा में चले गए। आपको इज्जत और अभय को होश में लाना ही होगा। अगर आपकी इज्जत है तो फिर मेरी भी इज्जत है। कुछ भी करके माता रानी आपको अभय को ठीक करना ही होगा, ठीक करना ही होगा आपको। किस्मत से टकराती, उलझी लकीरों को सुलझाती, श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।